फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम यू अभियांत्रिकी क्लासेस। तो दोस्त, इस जो वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं जेडीके के पाथ वगैरह सेट करने के बाद कि द बेस्ट वे वो कौन सा है जिससे हम प्रोग्रामिंग को परफॉर्म कर सकते हैं और जो एटलीस्ट इंडस्ट्री वगैरह में भी परफॉर्म होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं काम क्या करने वाला हूँ कि मैं अपने किसी ड्राइव, जैसे डी ड्राइव में, एक फोल्डर बनाऊँगा प्रोग्रामिंग नाम का और उसमें सारे जो प्रोग्राम हम करने वाले हैं उसमें सेव करते रहेंगे और वहीं से एग्जीक्यूट कराते रहेंगे। अब इन ये सारा परफॉर्मेंस करना कैसे है वो इस पे डिपेंड करेगा, सीएमडी के कॉन्सेप्ट पे। तो हम विंडोज़ के साथ सी एम ओपन करते हैं। विंडोज़ क्रेस करने के बाद सीएमडी ओपन करने के बाद सबसे पहले हम डी ड्राइव में जाएंगे और डी ड्राइव में ही हमें क्या करना है, एक फोल्डर क्रिएट करना है। तो डी ड्राइव प्लस कॉलम्स का सिंबल अप्लाई करेंगे हम डी ड्राइव में पहुँच के। डी ड्राइव में जाने के बाद हमें क्या करना है, मेक डायरेक्टरी एम डी और जो फोल्डर का नाम, जो डायरेक्टरी का नाम आपको देना है, मैं लिखूंगा प्रोग्राम्स, PROGRAMS प्रोग्राम्स। अब क्या हो गया, प्रोग्राम्स नाम का फोल्डर यहाँ बन गया होगा। चलो आओ दिखाते हैं। हम चले सी और मूव करेंगे हम लोकल डी में और यहाँ एक प्रोग्राम्स का फोल्डर बन गया है। अब प्रोग्राम्स का फोल्डर तो बन गया, अब प्रोग्राम्स में भी मूव करना है तो सीडी इस्तेमाल किया जाता है, चेंज डायरेक्टरी, और देन कहाँ पे हमें जाना है, प्रोग्राम फोल्डर में जाना है। तो सीडी प्रोग्राम्स हम लिखेंगे, तो अब डी ड्राइव स्लैश प्रोग्राम्स लिख दिया। इसका मतलब ये कि हम अब प्रोग्राम्स के फोल्डर में पहुँच गए हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे नोट पैड और जो फाइल का नाम देना है, जैसे फर्स्ट FIRST first.java हमने सेव कर दिया इसको। अब देखो यस कर दिया, ये सेव हो गया यहाँ पे। एक चीज़ और ध्यान रखना कि हमेशा जो क्लास का नाम होता है फाइल के नाम से सेव होगा, सेम ही रहेगा। तो हमने क्लास फर्स्ट दे दिया, उसमें भी एफ कैपिटल है, यहाँ भी एफ कैपिटल है। ओपन किया, क्लोज किया ब्रेसेस, हमने किया नॉट सिस्टम। यहाँ पे मेथड लिखना होगा सबसे पहले, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स ARGS और देन वंस अगेन ओपन ब्रेसेस एंड क्लोज ब्रेसेस और हम लिख देते हैं system.out.println और यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट जावा प्रोग्राम यूजिंग इंडस्ट्री मेथड। अब इसको हम कंट्रोल एस कर लेंगे, सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम दोबारा से सीएमडी पे मूव करेंगे और जैसा आप जावा के कंपाइलर के साथ प्रोग्राम को कंपाइल कराते थे जावा सी करके, सेम वही मेथड रहेगा। तो जावा सी FIRST first.java हम लिखेंगे और ये कंपाइलेशन हो रहा है और उसके बाद हम लिखेंगे जावा और FIRST रन कराने के लिए, एग्जीक्यूट कराने के लिए, और यहाँ हमारा आउटपुट मिल गया फर्स्ट जावा प्रोग्राम यूजिंग इंडस्ट्री मेथड। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जिस तरीके से इंडस्ट्री वगैरह में कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है, सेम उसी तरीके से आप प्रोग्राम्स बना सकते हैं। और द बेस्ट वे है मेरे हिसाब से, आपको इसी तरीके से काम करना चाहिए जावा सीखने के लिए। अभी IDE वगैरह पे आपको काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रोग्रामिंग हमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करना है, तो उन सारी चीज़ों को हम समझेंगे आगे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे दोस्तों कि यहाँ system.out.println जो लिखा हुआ है, मैंने बताया था कि ये क्लास है, क्लास का नाम हम फर्स्ट दे सकते हैं, इट कैन बी चेंजेबल, ये फर्स्ट की जगह सेकेंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपका नाम, हमारा नाम, कुछ भी हो सकता है। हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS है, ये मतलब ये मेथड है जावा का, मेन मेथड भी कहा जाता है इसको। तो हम लिख देंगे MIAN मेन मेथड यहाँ पे, और ये चीज़ होता है हमारा कमेंट लाइन। आगे अभी आगे के जो ट्यूटोरियल्स हैं उसमें कमेंट लाइन्स हम देखेंगे। system.out.println किस काम में आता है, तो system.out.println जो होता है वो स्टेटमेंट को प्रिंट करने के काम आता है, स्टेटमेंट प्रिंट के काम आता है। तो स्टेटमेंट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।